अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज जो है ये मज़ेदार सा पास्ता रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, बहुत मज़े की है। और विथ दीज मीट बॉल्स इंशाल्लाह आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलें, बहुत क्विक सी और सिंपल सी रेसिपी है, तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट होने से पहले यार, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दें, नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दें, और लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह मान रही हूँ। तो यहाँ पर ना मैं मीट बॉल्स बनाने लगी हूँ। सबसे पहले तो उसके लिए मैंने आधा किलो कीमा ले लिया था, और उसमें मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दी है, हाफ टी स्पून गरम मसाला ऐड कर दिया है, और हाफ टी स्पून ही नमक भी ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें कुटा भुना जीरा ऐड कर रही हूँ 1/4 टी स्पून, और काली मिर्च, साबित काली मिर्च को भी मैंने भून कर पीस लिया था, ये भी मैं 1/4 टी स्पून ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा यहाँ पर हाफ टी स्पून मैं चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ, और 1 अदद अंडा ऐड कर रही हूँ, और इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छा, जो ज़ीरा और जो काली मिर्च है इसको अच्छे से जो है ना, अपने मतलब जो साबित वाली होती है उनको आप भून लें चूल्हे पे, और जब इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाए, कलर आपको थोड़ा सा लगे कि ये कुक हो गया है, तो उसके बाद आप इसको पीस लीजिएगा, तो वो मैंने ऐड किया हुआ है। अच्छा, आप मैंने इसमें ना अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना मैं भूल गई थी, तो यहाँ पर मैंने हाफ 1 टीस्पून बल्कि अदरक का पेस्ट डाल दिया था, और 1 टीस्पून मैंने लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। अगर आपके पास दोनों मिक्स हुए हुए हो ना, जब आप एक साथ पीसे हुए हो अगर आपने, तो वो आप जो है 1 टेबल स्पून ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद जो है यहाँ पर इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और अब जो है ना इसकी मैं शेप्स बनाने लगी हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैंने यहाँ पर ना चिकन का कीमा यूज़ किया था, ठीक है? अगर आप, और ये मशीन का कीमा था, ठीक है? तो ये बहुत फाइन था, तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अगर आप जो है फॉर एग्जांपल ऐसा वाला कीमा चिकन का यूज़ कर रहे हैं जो हाथ का है, मशीन का नहीं है, तो वो थोड़ा मोटा होता है, उसके जो दाने होते हैं वो मोटे होते हैं, तो बॉल्स बनने में ये डाउट होता है कि कहीं वो फट ना जाए। तो उसका तरीका ये है कि आप जो है इसको चॉपर में, उस चिकन के कीमे को जो हाथ का होता है उसको आप चॉपर में चॉप कर लीजिएगा, ताकि जो है ना ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए और आराम से आपकी बॉल्स बन जाए। तो यहाँ पर मैं इस तरह से बॉल्स बना रही हूँ, और बस इस तरह से ना ये इसका शेप होना चाहिए। आप इससे छोटा भी बना सकते हो, इससे बड़ा मतलब फिर वो कोफ्तों का शेप हो जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो बस इस तरह का आपका शेप होना चाहिए। ओके, तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस तरह से मैंने सारे मीट बॉल्स बना लिए हैं, और अब मैं इसकी फ्राइंग करूँगी। अच्छा, अब मैंने पहले क्या कर दिया था, इस पैन में मैंने ऑयल ऐड कर दिया था। ऑयल बहुत मतलब इन मीट बॉल्स को ना बहुत ज़्यादा डीप फ्राइंग की ज़रूरत होती नहीं है, ये इस तरह शेलो फ्राई होता है। तो आप देख रहे हैं कि ऑयल मैंने बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डाला था। इसी तरीके से आपने ज़रा सा ऑयल डालना है, और ये सारे मीट बॉल्स आप डाल लें, और बस इस तरह से आपने इसको अच्छे से जो है ना, आपको स्पैचुला यूज़ करने की भी ऐसी ज़रूरत नहीं है, बस निकालते हुए ऑफ कोर्स आपको यूज़ करना होगा, तो बस इस तरह से आप जो है कर लीजिएगा, तो ये मीट बॉल्स यहाँ पर रेडी हैं। अच्छा, अब वहाँ पर हमारे मीट बॉल्स रेडी हो चुके थे, तो उसको मैंने साइड पे रख दिया था, और यहाँ पर मैंने पास्ता को बॉईल करने के लिए यहाँ पानी जो है रेडी कर रही हूँ। तो पहले पास्ता के बॉइलिंग के लिए यही होता है कि पहले आपने पानी को अच्छे से बॉईल कर लेना, जब तेज़ बॉईल आ जाए तो इसमें आप लाइक 2 to 3 टेबल स्पून ऑयल के ऐड कर दें, और साथ ही ये पास्ता ऐड कर दें। मैंने 2 पैकेट पास्ता यूज़ किए हैं, और 2 डिफरेंट पैकेट्स यूज़ किए हुए हैं मैक्रोनी के। आप कोई भी एक जैसे भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ पर मैंने 3 टी स्पून जो हैं वो नमक के भी ऐड कर दिए। उस सबके बाद मैंने इनको अच्छे से चला लिया है, और इसको जो है ना बॉयल आने के लिए वेट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मेक श्योर करिएगा कि आप पास्ता को बिल्कुल फुली आप जो है ना बॉयल इस तरह मत कर लीजिएगा कि बिल्कुल नरम हो रहे हो, वरना फिर जब आप इसको सॉस में डालकर इसको मिक्स करेंगे ना, तो वो टूटने लगेंगे पास्ता। तो इट्स बेटर कि थोड़ा सा ना एक कन्नी कच्चा आप निकालिए। यहाँ पर जो है ना बस ये रेडी है, और अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ना मैं एक सॉस बनाऊंगी, जो कि मैं बेसिकली पास्ता जब हमारा रेडी हो जाएगा उसके ऊपर मैं डालूंगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1/4 कप मायोनीज ले ली है, 1 टीस्पून मैंने सेराचा सॉस ले ली थी, 1/4 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट ऐड कर लिया था, 1/4 टीस्पून मैंने पेपरिका पाउडर ऐड कर लिया है, और 1/4 टीस्पून मैंने वाइट पेपर पाउडर ऐड करा है, और थोड़ा सा जो है ना मैंने इसमें ये ओरिगानो ऐड किया है, जो मैंने बिल्कुल वो जो पिसावा ओरिगानो होता है वो नहीं, थोड़ा सा ग्राउंड ओरिगानो जो होता है ना वो वाला मैंने ऐड किया है, और यहाँ पर 1/4 टीस्पून मैं गार्लिक पाउडर ये मैंने ऐड कर दिया। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और जब हमें ना थोड़ा सा इसको लिक्विड रखना है इस सॉस को, ठीक है? बहुत गाढ़ा नहीं होना चाहिए, तो मैं ना इसमें इसको मिक्स करने के बाद ना इसमें पानी भी ऐड करूँगी, ताकि ये थोड़ा सा पतला हो जाए। अच्छा, मैं यहाँ पर ना
बारबेक्यू सॉस ऐड करना भूल गई थी, तो ये आप अराउंड 1/4 टीस्पून या हाफ टी स्पून जितना बारबेक्यू सॉस ऐड कर लीजिए कि बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर देता है। तो बस ये यहाँ पर जो है ना हमारी सॉस रेडी है, तो अब हम जाएंगे और पास्ता का सॉस रेडी करेंगे जो इसमें हमें पास्ता मिक्स करना है। अच्छा, मैं यहाँ पर जो है ऑयल ऐड कर रही हूँ, ये अराउंड 1/4 कप जितना ऑयल है, और उसके अलावा यहाँ पर मैं लहसुन 5 से 6 अदद, इसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था, चॉप कर लिया था, और ये मैं ऐड कर रही हूँ। ये जब स्लाइस सा कलर चेंज कर लेगा तो अब इसके अंदर जो है ना मैं गोभी ऐड कर रही हूँ, फूल गोभी। ये बहुत ज़्यादा नहीं ऐड कर रही, मैं ज़रा सी ऐड कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है इसके अंदर फूल गोभी, तो इसलिए मैंने ऐड कर दिया है। अगर आपको जो है वो नहीं पसंद तो गोभी ऑप्शनल है, आप मत डालिएगा, आप ना डालें कोई मसला नहीं, क्योंकि अभी वेजिटेबल्स ऐड करने का प्रोसेस चल रहा है, इसलिए मैंने जो है ना ये ऐड कर लिया था। अच्छा, अब इसके अंदर मैं जो हूँ वो शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ। ये 1 अदद शिमला मिर्च को मैंने स्क्वायर कट कर लिया था, तो ये मैंने ऐड कर दिया है। और इसके अलावा यहाँ पर मैं 1 चिकन क्यूब ऐड कर रही हूँ, और ये वेजिटेबल्स के साथ ये चिकन क्यूब भी डिजॉल्व हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर मैं 3 हरी प्याज है, इसको मैंने कट कर लिया था, और ये मैं ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा हरी प्याज मैं अलग सेपरेट कर लूँगी एंड में गार्निशिंग के लिए, ठीक है, वो भी ऑप्शनल है। अच्छा, साथ ही मैं एक और बात कह दूँ आपको कि अगर आपको जो है गाजर ऐड करना है तो आप ज़रूर ऐड करिएगा, उसको भी बिल्कुल जैसे शिमला मिर्च कट हुई हुई है, स्क्वायर कट हुई हुई है, बिल्कुल इसी तरीके से आप गाजर को भी जो है इसी तरीके से ऐड कर लीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो है मैं सॉसेज ऐड करने लगी हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं वॉचेस्टर शायर ऐड कर रही हूँ। ये मैं 3 टेबल स्पून वॉचेस्टर शायर ऐड कर रही हूँ। ये मैं इस बार रेंडमली ऐड कर रही थी क्योंकि पास्ता के अंदर ना थोड़ा सॉसी और अच्छा सा लगता है, तो क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, बट आई नो ये 3 टेबल स्पून जितना था। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर मैं ऐड करने लगी हूँ चिली सॉस। चिली सॉस जो है वो थी अराउंड 2 टेबल स्पून जितना चिली सॉस चला गया, और सोया सॉस जो है वो 4 टेबल स्पून मैंने सोया सॉस ऐड कर लिया था। साथ ही यहाँ पर जो है विनीगर मैं 1.5 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ, और काली मिर्च पाउडर जो है वो मैं 1.5 टीस्पून ऐड कर चुकी हूँ, और जो वाइट पेपर पाउडर है वो भी 1.5 टीस्पून ऐड कर दिया है मैंने। इन सबको मैं अच्छे से अब मिक्स कर लूँगी, और साथ ही जो है ना मैंने 1/4 कप जितना कैचअप जो है ये ऐड करके मैं इनको अच्छे से इन सबको मिक्स कर लूँगी। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने अलग से ना चिकन पाउडर को 1.5 टेबल स्पून चिकन पाउडर को मैंने थोड़े से पानी में डिजोल्व कर लिया था, तो वो मैंने ऐड कर दिया है इसके अंदर। अच्छा, अब यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून से राजा सॉस ऐड कर रही हूँ उसमें, और साथ ही जो है ना अब यहाँ पर ये जो मीट बॉल्स थे ये मैं ऐड कर दूंगी इसमें, और थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। अच्छा, अब जो है इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया था, और ये इस तरह से ना ये सॉस रेडी हो चुकी है। ये बहुत मज़े की लग रही है यार, और देखिए इतनी मज़े की रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, तो मेरा सब्सक्राइब करना चैनल को तो बनता ही है, तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन भी क्लिक करते हैं और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दें, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसको जल्दी से लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर दें। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैंने अब पास्ता ऐड कर दिया है इसमें, और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब बहुत केयरफुली करना है, जो मैं स्टार्ट में मैंने जब पास्ता बॉयल कर रही थी तो उस टाइम मैंने आपसे एक बात कही थी कि अगर जो है आपको पास्ता बॉईल करते हुए ना आपने लाजमी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बहुत सख्त ना हो जाए आपके पास्ता, ओवर बॉइल्ड ना हो जाए, थोड़ा सा सख्त आपने वो पास्ता को छान लेना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कितना सॉसी है। अगर ये बहुत ज़्यादा ओवर बॉइल्ड हुआ हुआ होता तो अब यहाँ पर पास्ता ना टूटने लगता, तो इसलिए थोड़ा सा सख्त होना ज़रूरी है। अभी ये इसी सॉस के साथ थोड़ी देर मैं कुक करूँगी ना 2 फ्लेम पे, तो ये आराम से पास्ता जो है वो कुक हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ना एंड में मैं यहाँ पर सीजनिंग्स ऐड कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने थाइम ऐड कर दिया है और ओरिगानो ऐड कर लिया है, ठीक है, दोनों मैंने 1 1 टेबल स्पून जितना ऐड कर दिया है, ठीक है, और बस यहाँ पर हमारा ये पास्ता रेडी है। तो बस यहाँ पर ये रेडी है, और जो मैंने सॉस बनाई थी जो मैंने आपसे कहा था कि एंड में मैं गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी, तो ये सॉस मैं इस तरीके से ऐड कर रही हूँ। इससे ना इस पास्ता का डबल ट्रिपल फ्लेवर आ जाता है यार, ज़रूर ट्राई करने वाली रेसिपी है। और यहाँ पर मैंने हरी प्याज को भी जो है इस तरह से गार्निश कर लिया है, तो आपको मैं जूम इन करके दिखा देती हूँ कि किस तरीके से जो है ना हमारा ये मज़ेदार सा मीट बॉल वाला पास्ता लगता है। इट इज़ सो मज़े का, इट इज़ सो अमेजिंग एंड डिलिशियस, सो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, और इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी।
और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। लेकिन वीडियो एंड होने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दें, नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दें, और लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा, और कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगी। अल्लाह हाफिज़।